वो भाई आ जाओ आ जाओ भाई 1000 मीटर 1000 मीटर ला गाड़ी दे अबे साले बहुत दूर है अबे रुक जा अबे रुक जा भाई हो जाएगा आज Voy a la playa, ya subió la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं और न्यू वीडियो के साथ वापस और आप में से बहुत से लोगों का कमेंट में मैं बता चुका हूं कि क्यों मैं गेमएक्सप्रो जी गुरुजी और लेजेंड एक्स के साथ में अब नहीं खेलता हूं अब मतलब मैंने सोचा कि मैं अगर इसे एक एक करके अब मैं बताता रहूँगा तो भाई कभी किसी को नहीं पता पड़ पाएगा और बहुत से लोग अब मेरे से पता है हेट भी करने लग गए उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं लेकिन जब मैं आपको रीज़न बताऊंगा तो आप भी शायद यही कहोगे ठीक है जो भी आपने डिसीजन लिया ठीक लिया तो बात ऐसी है कि हम लोग खेलते थे रात में दो दो तीन तीन चार चार बजे तक और कभी कभी पाँच भी बज जाते थे और ऐसा होता भी है और एक गेमर के लिए एक आम बात है मतलब ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तो मैं बीच में काफ़ी बीमार सा हो गया था तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भाई जैसे ही मुझे देखा उन्होंने सीधा बोला कि आप रात में बहुत ज़्यादा सकते हो तो जल्दी सोना स्टार्ट कर दो मैंने ये बात को हल्के में ले लिया लेकिन धीरे धीरे करके मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लग गई थी और भाई हमसे ना हो पाया तो अब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं रात में जल्दी सो जाया करूँगा लेकिन अब दिक्कत एक बढ़ गई यहाँ पर अब वो ये दिक्कत ये बढ़ी कि अब मैं उन लोगों के साथ में नहीं खेल सकता था क्योंकि वो लोग रात में खेलते हैं और जब रात में खेलने के बाद भाई सोते हैं तो सीधी सी बात है कि वो लोग भाई 10 या 11 बजे उठेंगे और मैं जल्दी उठ जाता हूँ अब लगभग 7 बजे 6 बजे जिसमें कि मेरे को रनिंग वगैरह करने जानी होती है और उसके बाद मैं आके मैं फिर गेम वगैरह खेलता हूँ अब उस समय मुझे वो लोग नहीं मिलते हैं तो फिलहाल यही था इशू लेकिन आज भी मैं आज उठा था सुबह को तो देखा मैंने रवि उठा हुआ था गेम एक्सप्रो जो कि तो उसका नाम रवि है तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं दूसरे को इसलिए मैं उसे रवि बोलता हूँ तो वो मैंने देखा कि वो उठा हुआ है तो उसके साथ मैंने एक मैच भी खेला और भाई साहब फिर किल तो कहाँ ही मिले थे उस मैच में इसलिए उस मैच की एक छोटी सी क्लिप डाली ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ हमने वो मैच खेला फिलहाल आप लोगों को अब पता चल गया अब नहीं पता चला है तो मुझे कॉमेंट करके बताना कि सही में आपको अब मतलब सब क्लियर हो गया ना अब बात करते हैं इस गेम प्ले की जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगा आपके लिए क्योंकि मेरे लिए तो ये इंटेंस रह चुका था अब ये आपके लिए कि इस मैच में अब क्या होने वाला है फिलहाल सामने बंदा है मैं ग्रेनेड कर रहा हूँ और आज मेरी सारी विद्या खराब हो गई अब भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले पेन किलर लिया क्योंकि और पेन किलर लेने का मतलब पता है क्या यहाँ पे सांस लेना धैर्य इतने में उस बंदे को किसी और ने लपेट दिया तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी फिलहाल उसके बाद हमें चाहिए थे लूट और भाई साहब और बंदे इस कदर मेरे पीछे पड़े हुए हैं चारों तरफ कि भाई साहब आज यहाँ से निकल के जाना बहुत ही मुश्किल है देख रहे हो एक एमओ है चलो ट्राई मार दें इस एमओ से कुछ हो भी पाता है कि नहीं ये भी खाली गई भाई साहब चलो भागो भाई ये स्कारल वाले मतलब स्कारल वाले क्या है ये जो ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं भाई सही में क्या ही किस्मत है एक तो इनको गन मिल गई ऊपर से ऊपर जाने का मौका भी मिल गया यहाँ साला हमको गन नहीं मिलती है भाई ये देखो और लेते भी हैं तो हमें भाई ऊपर रुकने का मौका नहीं मिलता है ये देख रहे हो भाई कहाँ कहाँ से गोलियाँ उन्हें पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ फिर भी यहाँ तक गोलियाँ आ रही हैं ओके फाइनली 6x भी मिल चुका है और एमओ भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए हैं तो चलो अब चल के बंदों को बजाते हैं तो सबसे पहले वेयर हाउस में जाना बनता है और सबसे पहले इस बंदे को देखते हैं जिसको किसी ने नॉक कर दिया और बेचारा गिर के मर गया भाई बहुत बुरी मौत मतलब जितना मजा ऊपर चढ़ने में उसे नहीं आया होगा उससे बुरी मौत तो उसके नीचे गिर के हो गई और अब आगे का माहौल देखते हैं कि चलने लायक है भी कि नहीं लेकिन रुको भाई साहब अभी पीछे ही चलते हैं क्योंकि आगे बंदे हैं
और यहाँ पर, अरे ये भाई साहब आए, पहले तो इन्हें लपेटो। यार चलती गाड़ी हो या चलती बग्गी, उतारने का मजा दोनों में ही आता है। और बग्गी से उतारना किसी बंदे को एक कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, मतलब ना होने वाला काम। फिलहाल सामने बंदे और ये लोग ओपन में लड़ रहे हैं और मुझे इस बात का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, तो चलो फायदा उठाते हैं, लेकिन पहले कुछ सामान उठा लेते हैं। अब भाई साहब को नॉक करने के बाद मेरी कोशिश तो पूरी रही थी कि मैं इसे पूरा फिनिश कर दूं, लेकिन कर नहीं पाया। हाँ लेकिन अब मौका है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब डर ये कि आगे कोई है भी कि नहीं। चलो भैया लेके प्रभु का नाम और घुस लेते हैं अंदर। तो भैया यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई नहीं है, हाँ क्योंकि यहाँ चल रही है लड़ाई। अब उधर की तरफ से तो कोई भी हलचल महसूस हो नहीं रही है, और रही बात मेरे किल की, और वो पता नहीं अब कहाँ ही चला गया। अब इंतजार करते हैं, ये एक बंदा जिसने सबको मारा है गाड़ी में बैठने का, और फाइनली ये आ भी गया है। ये मान लो अगर ये बंदा यहाँ ना होता ना, तो ये मेरी किस्मत थी नहीं कि मैं ऐसी गने भी यूज़ करूँ। मुझे इसी से मिली है भाई साहब M4 वगैरह ग्रिप, ये सब मिलक। फिलहाल उसके बाद मैं यहाँ से आता हूँ, और इसके बाद में अब हमारी इंटेंस फाइट शुरू होने वाली है। अब ये गाड़ी को देख के तो मैं रुकने मतलब वाला था, लेकिन तभी मैंने ये दूसरी गाड़ी यहाँ पे देखी, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ भी बंदे हैं। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गाड़ी के पीछे लगाऊंगा, और सबसे पहले हम इसको लपेटते हैं। इसको लपेटने के बाद तब किसी और को लपेटेंगे। भाई ये बंदा अच्छा खासा यहाँ से बच के निकल गया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये यहाँ दोबारा वापस आया। ओके इनको अब हमने मार दिया, अब चलते हैं पीछे और पीछे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हिसाब किताब हो रहा था। हम जैसे ही यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे बॉट फायर दिया, बॉट फायर देते ही इनके मुंह में पानी आया और ये लोग बाहर आ गए। और तुम्हें मैं सही बता रहा हूँ, इन लोगों की मौत बहुत गंदी होने वाली है, उस बात के लिए एक लाइक करना होगा आप लोगों को, ठीक है। पहले देखो फिलहाल ये बहुत ही वियर्ड स्प्रे था, मेरे को पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब है तो है। किस्मत देख रहे हो भाई साहब, इसको ये गोली हेड पड़ी है, अब ये भाई साहब नहीं करने वाला है पीक। अब दिक्कत ये है कि ये बंदे एक तो लेट हो गए हैं, ऊपर से गाड़ी आ रही है। सबसे पहले इस गाड़ी की फाइट देखो, इसके कारनामे देखो, इन्होंने क्या ही किया यहाँ पे। अब ये यहाँ शायद रुकने वाले थे, लेकिन इन्होंने जब मेरी यूएस को देखा ना, तो ये यहाँ पे नहीं रुके। अब ये गाड़ी वालों का मेन रोल है आज की इस वीडियो में, पता है। अब दिक्कत ये है कि मैं यहाँ से इनको चाहता तो सामने फाइट ले सकता था, लेकिन बाद में मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि पीछे वाले भाई से उंगली कर रहे थे। अब देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, वो बंदे अंदर हैं दोनों, और मैं सही बता रहा हूँ इनकी मौत बहुत गंदी होने वाली है। और अपने अंगूठे को बिल्कुल तैयार रखिए लाइक वाले बटन पे एम करने के लिए, तो मैं एम करना है लाइक बटन पे और सब्सक्राइब बटन पे भी एम करके और मार ही देना है। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची क्योंकि मुझे पता चल गया था ये अंदर ही है। भाई साहब दोनों की क्रेट बन गई, हाइपर सूरज भी गया और हाइपर सुनित भी गया। तो कुल मिलाकर मैं सही बता रहा हूँ, इस ग्रेनेड के एक लाइक तो बनता है। और अभी तैयार रहिए भी क्योंकि वो चार बंदे भी आ चुके हैं। ये देखो M24 का साउंड। और भाई ये चार बंदे चारों तरफ से रश करने वाले हैं, और आप लोगों को बीच में सरप्राइज भी मिलेगा। पहला बंदा जो कि मुझे दिख चुका था नॉक हो चुका है। ये बंदा उछल रहा था, लेकिन इसका तीसरा बंदा लगातार फायर दे रहा है। जैसे इसको मारा सामने वाला बंदा उछलने लगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको मिलना है तो सारे
मिलने आइए, क्योंकि देखो आप लोग मार दोगे तो पता है आप लोग क्या बोलोगे। देखो ये जब मार देते तो बोलेंगे कि हमने बंदूकबाज को मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं मारना, ठीक है ना, कोई हैकर तो हूँ नहीं, ठीक है। पर यार लेकिन हमारा गेम खराब हो जाता है। फिलहाल अब वो दो लोग मर चुके हैं, उसके दो बंदे बच चुके हैं, मैं उनको छोड़ के यहाँ पे आ चुका हूँ, और तभी मुझको यहाँ पर ये बॉट दिखाई दिया। लेकिन ध्यान रखना लेफ्ट में एक डीपी भी चल रही है। यार मैंने सोचा कि इसे नॉक करके ही निकल लेता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान आया कि डीपी वाला बंदा कहीं किल ना चुरा ले, इसलिए किल सेव करना बहुत ज़रूरी था। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं डीपी वाले बंदे की तरफ, जो कि हमें नहीं मिला। हाँ लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आके मुझे एक बॉट और मिला। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि आजकल बॉट आने का एक ही रीज़न है, और वो है कि न्यू सीज़न और लोगों के द्वारा नए अपडेट को अपडेट ना करना। अब फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर दो टीम्स की फाइट चल रही थी और जिसका फ़ायदा मुझे मिला। सबसे पहले एक कमाल का इस पे जिसमें एक बंदा नॉक हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रैंडम ग्रेनेड फेंक दिया। रैंडम ग्रेनेड का मतलब है हम इसे कुक नहीं करते हैं और जस्ट फेंक देते हैं। और इसी के साथ में ये वाली टीम फिनिश हो गई। और सेल्टर पे जो दो बंदे वो वही बंदे जिनको कि मैं छोड़ के आया था। हाँ लेकिन मुझे उसके बाद नहीं पता कि ये बंदे बचते भी हैं या मर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे ये बंदे नहीं मिले थे। अब इसके बाद में हमारे पास एक ही काम था, स्काउटिंग, क्योंकि बंदों को ढूंढना था फिर उन्हें मारना था। अब मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, तभी मेरी गाड़ी पे गोलियां चली। मैंने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे राइट साइड जाना था जहाँ पे फायरिंग चल रही थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार ये ओपन है तो मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और मैं वापस आ गया। और वापस में मुझे वो बंदा तो नहीं मिला, लेकिन वो टीम यहाँ आ गई और उन्होंने उन दोनों को फिनिश कर दिया। तो यार अपने दोस्तों का बदला लेना तो अब बनता है, और तैयार हो जाइए एक गजब की क्लच के लिए। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया ग्रेनेड करता हूँ। भाई साहब एक बार को डर लगा, क्योंकि M249 जब रिलोड होती है ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जाके नहा धो के आ जाना, M249 आपको रिलोड सेट मिलेगी तब तक। पर फाइनली अब इसके बाद जोन बचा है एक बंदा, जिसको ढूंढना और मारना दोनों ही बहुत मुश्किल है, पर इसे ढूंढ तो बहुत जल्दी लिया था, लेकिन इसको मारना इतना आसान नहीं था भाई। सही में ये बंदा मुझे खाते खाते रह गया। और अब तो हद ही हो गई। सबसे पहले गाड़ी से उतरा। अब यहां मेरा स्प्रे इतना इसलिए हिल रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी गोलियां खाऊं। हो सकता है उसके स्नाइपर भी हो, पर लेकिन थोड़ी बाद मुझे पता चला कि उसके पास स्नाइपर शायद नहीं है, इसलिए स्प्रे देना तो अब बनता है। एंड गाइज एक और डिलीशियस चिकन है। सो गाइज आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और रही बात उस रीजन का, तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, तो यार इमर्सिव अब वो कमेंट मत करना। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई सवाल हो तो मुझे वो भी बताना, मैं उसका भी जवाब आपको जरूर दूंगा। पर यार इन सवालों मतलब ये सवाल कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे कि क्यों नहीं खेलता हूँ, क्यों नहीं खेलता हूँ, तो फाइनली आप लोग को मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और कस्टम वगैरह के लिए भाई कर लो फॉलो यार। और आजकल फोटोज नहीं डाल पा रहा क्योंकि थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। आप कहोगे मैं कितना बीमार चलता हूँ, क्या करूँ भाई, रहता हूँ इतना बीमार। तो गाइज थैंक यू सो मच यार वीडियो को देखने के लिए। अच्छी लगी तो फिर से कह रहा हूँ यार लाइक कर देना, चैनल फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।